13 साल की बच्ची है, उसको अब नज़र का चश्मा लग गया, उसका नंबर भी उन्होंने आपको बताया, ये ज़्यादा है कम है अभी? ये इतना ज़्यादा नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं है जी। तो अब वो चश्मा तो लगाना शुरू हो गई, तो क्या चश्मा उस नज़र को बेहतर कर देगा या फिर बस जहाँ तक वो अभी ख़राब हुई है उस स्टेज तक ही रखेगा और उसको देखने में साफ बस एक मदद करेगा? बेहतरी की तरफ तो चश्मा नहीं लेके जाता ना कि आंखें ठीक हो जाएंगी, चश्मा लगाने का ये मकसद तो नहीं होता ना? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। जो ऐनक लगाते हैं उससे जो नज़र है वो ठीक आना शुरू हो जाती है, हिली हुई नज़र ठीक हो जाती जी है जी, जो धुंधली नज़र है, जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है। ओके, अब सवाल ये कि क्या ये नज़र इधर रुक जाएगी, क्या ऐनक का नंबर इधर ही रुक जाएगा? अच्छा, ये ऐसा नहीं है, ऐनक का नंबर बढ़ सकता है या कम हो सकता है। अच्छा, तो इसलिए फिर चश्मे का क्या फायदा? उस चश्मे का फायदा ये है कि उसके साथ उसको ठीक नजर आ रहा है, साफ नजर आ रहा है। अच्छा, ऐनक उतार लें तो धुंधला है, ऐनक लगा लेंगे तो साफ नजर आएगा। ओके, विजन चीजें क्लियर। तो जब फिर बच्चा 18-20 साल का होगा तो फिर आजकल ये लेजर टेक्नोलॉजी बहुत कॉमन है। तो डॉक्टर साहब, अभी मुझे लेजर से पहले मैं ये पूछना चाहूंगी, छोटे जो बच्चे होते हैं ऐसे कोई आई ड्रॉप्स, ऐसी कोई टेक्नोलॉजीज नहीं है क्या ये जो नजर की बिनाई को बेहतर कर सकें बच्चों की? बच्चों में तो ऐसे कोई सिम्टम्स इजी कोई मेडिकेशंस होनी चाहिए ना, या कोई ऐसी इजाद है ही नहीं अभी तक? नहीं, ऐसे ड्रॉप्स अब ऐसी दवाई बन गई है जो नजर जिस तेजी से गिर रही हो उसको स्लो डाउन कर, ठीक है। और जैसे मैंने पहले कहा कि अगर वो बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो उसका भी बेहतर फ़र्क पड़ता है। आपने डाइट का भी मुझे बताना था कि कौन कौन सी ऐसी खुराक है, जो जूसेस हैं, ऐसे फल हैं जो बच्चों की आंख के लिए मुफीद है। जी, बच्चों की ग्रोथ के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ना, वो तो है प्रोटीन्स। ओके, क्योंकि उनकी बॉडी ग्रो कर रही है, और साथ में डिफरेंट किस्म के मिनरल्स एंड विटामिन जो कि हमें सब्जियों में और फलों में मिल जाए। डॉक्टर साहब, कौन कौन सी सब्जियाँ? जितने जितनी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं ना, पालक, जी पालक हो गई, ये सलाद हो गई, ठीक है, खीरा, ये चीज़ें बेहतर हैं सेहत के लिए भी और आँख के लिए भी, ठीक है। तो अब छोटे बच्चे शायद ये शौक से ना खाएं, तो उनको फिर कोई डिफरेंट फॉर्म में उसको बना के सैलड्स वगैरह में उनको खिलाया जा सकता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बेटी तो खाती है ये खीरा, कद्दू, चुकंदर और क्या, शलगम, टिंडे, पालक, ऐसे चाट चाट के रूखी पालक खाती, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, भावलपुर से एक कॉल है, उनको भी शामिल करते हैं डॉक्टर साहब। हैं, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है? वालेकुम सलाम जी, मोहम्मद नईम बात कर रहा हूँ, बहावल नगर से। जी मेरे भाई, कैसी तबीयत है? जजाकल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पूछने जाएंगे डॉक्टर? डॉक्टर राफे आज हमारे साथ हैं। जी, ओवर टू यू, पूछिए पूछिए पूछिए, डॉक्टर साहब आपके साथ हैं, पूछिए जी, फरमाइए जी। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा आपसे सवाल है कि मेरी बेटी है 7 साल की, जी जी, तो कुछ दिन पहले उसने शिकायत करना शुरू की कि मुझे बोर्ड पे नजर नहीं आता, वो प्रेप क्लास की स्टूडेंट है। जी जी। तो जब डॉक्टर साहब को चेक करवाया तो पता चला कि उसकी जो आई साइट है वो काफी ज्यादा वीक हुई है, और उन्होंने 4 नंबर के जो ग्लासेस है ना वो सजेस्ट किए। 7 साल की बच्ची है। तो जी जी, 7 साल की। तो हमें बड़ी हैरत हुई कि अचानक से ये कैसी इतनी वीक हो गई। जी जी, पहले कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं पता चले आपको? अचानक हुई है या वो पदेशी है? और दूसरा, इसके बारे में अगर कोई टेस्ट आप एडवाइस करें। अच्छा, ये बता दें, पहले आपको कभी घर पे कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं फील हुए कि बच्ची को दिखाई कम दे रहा है? जी, हमें उसके पता चला है कि दोनों बहन भाई स्कूल जाते हैं, तो जो बेटा है मेरा, उसने आगे बताया कि आज मेरी आपी रो रही थी स्कूल में और कह रही थी मुझे बोर्ड पे नजर नहीं आता।